महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर समेत देश भर में पूरे भक्ति और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। वहीं इसको लेकर शहर के बाबा बुरदेश्वर नाथ मंदिर, आदमपुर शिव शक्ति मंदिर, भूतनाथ मंदिर समेत अलग अलग इलाकों के शिवालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई गई। इसके अलावा जिले में कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी संख्या में पुरुष महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर शुक्रवार की सुबह से ही सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। इसको लेकर नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में भक्त सुबह से ही जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचते रहे, जबकि राजा कर्ण के द्वारा स्थापित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में भक्तों ने सच्चे मन से पूजा कर मनोवांछित फल की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जबकि मंदिर के पुजारी सुनील शुक्ला ने बताया कि सुबह के वक्त बाबा का श्रृंगार कर आरती की गई। आज यहाँ ये महाशिवरात्रि जो है पर्व, इस पे जो है बाबा की पूजन होगी और विशेष रूप से शोभा यात्रा निकाला जाएगा बाबा का। इसमें चार तरह का बैंड पार्टी, म्यूजिक और घोड़े के साथ यहाँ की बारात निकलेगी और फिर शाम में रुद्राभिषेक होगा। बारात वापस आने के बाद बाबा का गलसिद्धि बरमाला होगी और बरमाला होने के बाद बाबा का विवाह कराया जाएगा और विवाह बाबा मैया के विवाह के बाद रात्रि में जो है फिर महाआरती का आयोजन किया गया है। भागलपुर में महाशिवरात्रि की उत्सवी धूम है। इस अवसर पर जिले के सभी शिवालयों को फूल माला से सजाया गया है। शिव भक्त भगवान भोले की भक्ति में खोए हुए हैं। भागलपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों महिला और युवतियां शामिल हुई। वहीं इस दौरान महिला श्रद्धालु भक्ति गानों पर थिरकती नजर आई, जबकि महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्साह के साथ भक्तों ने हिस्सा लिया। इधर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने पहुंची साक्षी ठाकुर ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। पीरपैंती के जंगली नाथ रिफातपुर मनोकामना नाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न मंदिर में भक्तों ने मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसको लेकर मंदिर के पंडितों ने बताया कि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर महादेव और मां पार्वती की पूजा कर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जबकि इस बार के शिवरात्रि पर दुर्लभ योग बनने के कारण शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने हत्याकांड और लूटकांड का उद्भेदन करते हुए बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुल्तानगंज अंतर्गत बिनोवा नगर मस्ती निवासी लखनलाल मंडल की 55 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी गौरव कुमार की निगरानी में घटनास्थल से स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बदमाश को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर हत्या में उपयोग किया गया एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहीं मृतिका के पुत्र विकास कुमार के फर्द बयान के आधार पर सुल्तानगंज थाना आईपीसी की धारा और 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस कांड में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पुरानी मोती चक निवासी सोहन मंडल के पुत्र गुड्डू मंडल के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही डीएसपी ने बताया कि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर छापेमारी के दौरान अप्राथमिकी अभियुक्त पप्पू यादव और रवीन यादव के अलावा रामू महतो को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली और SHO सुल्तानगंज को सूचना मिली और वरीय अधिकारी को SHO सुल्तानगंज ने इन्फॉर्म किया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने कांड की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और 6:30 बजे सूचना मिली और तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही जो टीम थी वो मौके पर दाते पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से खदेड़ कर पुलिस ने जो है अभियुक्त को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर सुबह जो है सर्च ऑपरेशन चला आज और एक तालाब है और वहाँ पे जो घटना में प्रयोग किया गया जो देसी पिस्टल था उसको बरामद किया गया और उसके साथ साथ दो खोखा और दो जिंदा गोली जो है उसको भी बरामद किया गया।
गिरफ्तारी सर किसे की है? हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है इसमें, और पैसे का लेन जो मेन मोटिव जो निकल के आ रहा है वो पैसे का लेन देन में विवाद था, उसके कारण जो है ये हत्या हुई है। सुल्तानगंज प्रखंड की करहरिया पंचायत में रविवार को शिवरात्रि को लेकर विभिन्न गांवों से कुंवारी कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम पहुंचकर महिलाओं ने कलश में उत्तरवाहिनी गंगा का जल भरा और सिर पर कलश रखकर नंगे पांव हर हर महादेव के जयकारों के साथ शोभा यात्रा देवता शिव मंदिर पहुंचा। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। वहीं इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जबकि रविवार से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इधर महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में सुबह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जबकि श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपनी मनोवांछित फल की कामना करते हुए जलाभिषेक और पूजा की। वहीं शिव बारात आयोजन समिति की ओर से दोपहर बाद भगवान शिव की बारात निकाले जाने की जानकारी दी गई। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया पंचायत रविदास टोला के ग्रामीणों ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते के विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के सदस्य रामानंद पासवान, शंकर विंद समेत ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही उन लोगों को घर से NH-80 तक घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में रास्ते पर जल जमाव हो जाता है और इसके लिए अंचलाधिकारी के बाद जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी शंभू शरण राय मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही सीओ ने जल्द ही लोगों को रास्ते का मुआवजा मिलने की बात कही। मौके पर ग्रामीण मिथिलेश कुमार, मणि देवी, गौरा देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आप बोले कि हमको कॉपी दीजिए, हम देखते हैं अपने स्तर से काम करेंगे। आज तक जो है आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद और संविधान लागू के 73 वर्ष हो जाने के बाद भी जो दलित परिवार है, लगभग 600 परिवार है, 600 की जनसंख्या है, उनको आज तक जो है सड़क पर आने के लिए रास्ता नहीं है। जिन लोगों का, दबंग लोगों का ज़मीन है, उनकी प्रत्येक दिन जो है अपमान और गाली गलौज सुन करके ये लोग उनके खेतों से गुजरते हैं। डूबे छे, भांसे छे, एमारी बीमारी, पानी पर हम लाओ न जहाज, ओकरा पर कोई डूबिए छे त हम केना पार होबे, जब हमरा रोड नै छे त। इसलिए आप लोग आए हैं? हाँ, इसीलिए यहाँ एलिए, गुलाक हमरा रोड चाहिए, लाइन पर जाके सब बाल बच्चा।